आज हम आप लोग को सरल रेखा बताएंगे, ठीक है? स्ट्रेट लाइंस, बहुत ही आसान तरीकों से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है? तो पहले हम आप लोग को बेसिक बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? देखिए ये क्या है, एक एक्स रेखा है, ठीक है, एक्स अक्ष, और ये जो है वाई अक्ष है, ठीक है? ये एक्स अक्ष रेखा है और ये वाई अक्ष है। इसको मान लीजिए वाई और वाई डैश, ये क्या है, एक्स और एक्स डैश, ठीक है? ये यहां पर ये जो बिंदु है इसको हम मान लेते हैं ओ, क्या है, मूल बिंदु, 0,0, ठीक है? मूल बिंदु किससे, 0,0 से व्यक्त करते हैं। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी जो भी होती है सब क्या होती है, इधर धनात्मक दिशा होता है, ठीक है? और जीरो से, मूल बिंदु से वाई अक्ष की दूरी भी धनात्मक होता है। अगर आपसे कह दिया जाए मूल बिंदु से एक्स डैश की दूरी, तो इधर की जितनी भी रेखाएं होती हैं, मान होता है, सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है? और जीरो से वाई डैश की जो दूरी होती है ये भी ऋणात्मक होता है। केवल जीरो से एक्स अक्ष और जीरो से वाई अक्ष की जो दिशा होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है? तो ये पहला चतुर्थांश है, ये चार जो बॉक्स बने हुए, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय और ये तृतीय चतुर्थांश, ठीक है? ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो पहले में क्या होता है, जीरो से एक्स ये भी प्लस होता है और जीरो से वाई ये भी प्लस होता है, ठीक है? तो पहले हम जीरो से एक्स भुजा, तो जो एक्स अक्ष से जाता है उसको हम बोलते हैं भुज, क्या होता है, भुज, और वाई कोटि, यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पहला क्या होता है भुज यानी एक्स, और दूसरा वाई, वाई को कोटि। और इसमें क्या होता है, इसमें पहले माइनस होता है ऋण, उसके बाद प्लस, ठीक है? और इसमें तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, दूसरे वाले में माइनस प्लस होते हैं, ठीक है? और चौथे में प्लस माइनस। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक्स अक्ष के समांतर तो वाई बराबर 0, और वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो हो वाई बराबर 0, ठीक है? एक्स अक्ष के वाई बराबर 0 और वाई अक्ष का जो होगा एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? तो पहले हम आपको बता देते हैं प्रवणता, ठीक है? प्रवणता या फिर कहिए ढाल, जो भी कहिए। देखिए ये हम एक्स अक्ष रेखा खींच देते हैं और ये हम वाई अक्ष रेखा, ठीक है? जो प्रवणता होता है वो कोई झुकाव बिंदु, झुकाव रेखा का कोण बनाता है, ठीक है? वो झुकाव कोण होता है किसी बिंदु से, ठीक है? देखिए ये इस प्रकार का ये रेखा है, इस पर जो ये कोण बन रहा है थीटा, यही जो झुकाव कोण है इसी को हम कहते हैं प्रवणता, ठीक है? इसका हम टेंजेंट ले लेते हैं, टेन थीटा, ओके? एम इक्वल टू, इसी का हम नाम देते हैं एम। ये बिंदु मान लीजिए कोई एल है, ठीक है? ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, तो झुकाव कोण ही क्या कहलाता है, टेंजेंट इसका, ठीक है, थीटा, यम प्रवणता। तो एम इक्वल टू टेन थीटा, अगर मान लीजिए इसका झुकाव कोण मान लीजिए 45 अंश दिया है तो आपसे यम का मान पूछ लेगा, तो जब इसका मान कितना, मान लीजिए 45, झुकाव कोण कितना दिया है 45 अंश, एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो एम इक्वल टू टेन थीटा का मान 45 अंश, तो टेन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1, तो एम इक्वल टू 1, इसका मान 1 फाइंड हो जाएगा, ठीक है? तो इसका नाम हम एक क्या फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, एम इक्वल टू टेन थीटा। यम क्या है, प्रवणता है, ठीक है? यम जो है, यम प्रवणता, या फिर कहिए रेखा की ढाल,
इसको ढाल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो हमने बता दिया झुकाव कोण। ठीक है, यक्ष अक्ष से झुकाव कोण, यक्ष अक्ष से झुकाव कोण थीटा को हम क्या कहते हैं, प्रवणता, यानी इसका टेंजेंट। ठीक है, दूसरा है मान लीजिए इसी झुकाव कोण पर दो बिंदु दिए रहे। ठीक है, ये जो झुकाव कोण है ये एक्स अक्ष और ये जो है वाई अक्ष। ठीक है, यहीं से आपको झुकाव कोण पर, झुकाव कोण जो है ये थीटा है। ठीक है, ये जो रेखा गया है इस पर अगर दो बिंदु एक्स वन और वाई वन है, ठीक है, दो बिंदु दिए गए, मान लीजिए ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। ठीक है, तो इस जो रेखा की ये जो झुकाव झुकाव कोण है इस पर दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, बिंदु कौन कौन से, एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू। ओके, दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, आपसे यही कहा जाएगा सरल रेखा पर दिए गए दो बिंदु से होकर जाती है तो उसकी प्रवणता बताइए। ठीक है, आपसे इसकी प्रवणता पूछी जाएगी तो आप इसका नाम x और ये y। ठीक है, ये बिंदु जो होगा जीरो यहां पर और ये कोण थीटा। अब देखिए यहां बिंदु B से इसको आप मिला दीजिए डॉटेड लाइन से। ठीक है, यहां पर और इसको भी आप मिला दीजिए और यहां से, देख कुछ इस प्रकार का बन गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं x1, कितना x1। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी x2, क्या मान लेते हैं x2। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी x1 हो गई और यहां से यहां तक की दूरी, इसकी यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं x2। ओके, और इसी तरह इसको भी यहां से यहां तक की दूरी जो है मान लेते हैं y1, क्या मान लेते हैं y1। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं y2। ठीक है, y2, देखिए जब ये कोण थीटा बना तो यहां भी ये कोण क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। ठीक है, थीटा ही बनेगा। देखिए यक्स वन और यक्स टू यहां है ना, तो आप क्या करिए, आप इसको घटा दीजिए। ठीक है, जब आप घटाएंगे इसकी पूरी दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसकी जब पूरी दूरी आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, यही होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सरल रेखा दो दिए गए बिंदु से होकर जाती है तो आप उसका प्रवणता बताइए, तो उसके लिए प्रवणता क्या होगा, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रवणता, प्रवणता यम इक्वल टू, जब झुकाव कोण से, झुकाव बिंदु से दो बिंदु दिया रहे तो, ठीक है, झुकाव कोण से दो बिंदु होकर जाती है तो उसके लिए प्रवणता है। तो प्रवणता यम इक्वल टू क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे आप जब झुकाव कोण से दो बिंदु होकर जाएगी तब के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो में हम दो फार्मूले बताए हैं, पहला कौन सा, प्रवणता बराबर क्या होता है, एम बराबर टेन थीटा होता है, और दो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी, m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो ये दो फार्मूले याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको रेखा का समीकरण बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।